गोपी खोज रही है अपनी माँ जी को, अपनी सास कोकिला को। अभी थोड़ी देर पहले तो वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर आई थी, साथ में उर्मिला मामी भी थी, लेकिन अचानक माँ जी गुम हो गई हैं और गोपी की चिंताएं बढ़ गई हैं। उसे कहाँ पता है कि कोकिला को खोजते हुए जिस बक्से के साथ वो टकराई है, जिस लकड़ी के बक्से पर भैरव की इतनी बड़ी मूर्ति को रखा गया है, उसी बक्से में उसकी माँ जी को गौरा ने बांध कर कैद कर लिया है। गोपी अपनी बेटी विद्या को भी पूछ रही है कि माँ जी को कहीं देखा, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं है। और जिसके पास जवाब है वो तो अम्बे माँ की आरती में व्यस्त हो गई हैं, क्योंकि उसे तो अपना बदला पूरा करना है। ये सारी प्लानिंग में ऐसे क्यों होता है? मुझे एक बात बताओ कि हम जो बताना करना चाहते हैं वही पहले से क्यों दे देते हैं, दिखा देते हैं, बता देते हैं, फिर देखने में क्या मजा आएगा? हमारे जो ऑडियंस है, हमारी जो लॉयल फैंस है, उनको उसी वक्त सब देखना होता है और आप पहले ही दिखा देते हो। हालांकि मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या करने वाली हूँ, सच बताऊँ तो। गौरा यहाँ एक और ड्रामा कर रही है। विसर्जन से पहले होने वाली आरती के बाद वो दमे के दौरे का नाटक करती है, क्योंकि उस बहाने वो अपने पोते को दूर करना चाहती है। और देखिए ऐसा ही हुआ। गोपी का ये छोटा जमाई अपनी बाजी का पंप लेने के बहाने यहाँ से घर चला गया है। और गौरा का ड्रामा देखने के बाद मीरा ने भी यहाँ ड्रामा शुरू कर दिया है, वही लड़ाई झगड़ा और क्या। गौरा का प्लान कब कैसे बदल जाए वो कोई कह नहीं सकता। वो क्या हर मिनट मिनट वो सिचुएशन के हिसाब से उसका प्लान वो यू नो वो क्या क्या बोलते हैं उसको जो रंग बदलता है, गिरगिट हाँ, दैट वी नो कि यू नो गिरगिट रंग बदलते हैं तो हमें पता चलता कि इसके बाद पता चलेगा। बट जो गौरा कैरेक्टर है वो किस वक्त कौन सी सेकंड में कौन सा रंग बदलेगी, कब हंसेगी, कब रोएगी, कब चिल्लाएगी, कब किसी को मार देगी, पता भी नहीं चलेगा। एक तो मुझे लगता है कि गौरा के थॉट्स इतने चलते हैं माइंड में, फास्ट चलते हैं कि इमीडिएटली कोई ने किसी ने कुछ कह दिया और तुरंत उसका प्लान बदल गया। प्लान रेडी भी होता है। इस पूरे ड्रामे के बीच अब गोपी के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपनी माँ जी को कैसे ढूंढ निकालेगी, कैसे उनकी जान बचाएगी, क्योंकि गौरा ने कोकिला जिस बक्से में कैद है उसका विसर्जन करने की पूरी तैयारी कर ली है। मुंबई से पारस कोठारी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।